कहानी का शीर्षक है शिक्षा बड़ी या धन। एक बार राजा रतन सिंह शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार की खोज में वह बहुत दूर निकल गया। उसके सारे साथी और सेवक काफी पीछे छूट गए। अब तो राजा का घोड़ा भी थकान के मारे हलकान होने लगा था। खुद राजा का भी प्यास के मारे बुरा हाल था। तभी उसे मवेशी चराने आए दो बालक दिखाई दिए। राजा ने उनसे कहा, मुझे और मेरे घोड़े को बहुत प्यास लगी है, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? दोनों बालकों ने तुरंत पानी का इंतजाम किया। राजा उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ और इनाम लेने के लिए राज दरबार में आने का न्योता दिया। दूसरे दिन दोनों बालक राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने दोनों से कहा, वे अपना मनचाहा पुरस्कार मांग सकते हैं। उन दोनों के पास न तो स्वयं के मवेशी थे और न ही जमीन, इसलिए एक बालक ने राजा से कुछ मवेशी और थोड़ी सी जमीन मांगी। अब दूसरे बालक की बारी थी। उसने कहा, गरीबी के कारण मेरे माता पिता मुझे पढ़ा नहीं सके, मैं पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। इस पर राजा ने पहले बालक को मवेशी व जमीन देकर विदा कर दिया और दूसरे बालक को अपने पास रखकर खूब पढ़ाया लिखाया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजा ने उसे एक गाँव का हाकिम बना दिया। कालांतर में अकाल पड़ा। पहले बालक के मवेशी मर गए और जमीन भी बिक गई। दूसरी ओर अपने अक्ल से हाकिम बना बालक ठाट बाड़ से अपना जीवन जी रहा था। यानी जिसने मवेशी और खेत मांगे थे वो तो अकाल पड़ने पे मवेशी मर गए, खेत बिक गया, लेकिन जिस बालक ने शिक्षा मांगी थी उसका आज कुछ नहीं गया, क्योंकि धन को चोर चुरा सकता है लेकिन विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, ना कोई बंटवारा कर सकता। इसलिए सबसे बड़ा जो धन है वो शिक्षा होती है।